हल्द्वानी में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। त्यौहार के चलते हल्द्वानी मार्केट में हर साल की तरह इस साल भी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले वाहनों और महिलाओं को कोई जो भी बहनें हैं और महिलाएं हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा पुलिस ने सुचारू यातायात के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए हैं जिससे कि बाजार में आने वाली भीड़ को संभाला जा सके। ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने की संभावना पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। का बंद लगाया गया है और सबको यह निर्देशित किया गया है कि जो माताएं बहनें रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए आएंगी उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और वो अच्छे से खरीदारी कर सकें और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसके पूरे प्रबंध किए गए हैं। और यातायात के लिए TI को अगर यातायात बढ़ता है तो ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर किसी भी समय अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है तो उसके अनुसार ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाए।